नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदनगर की। यहाँ बालम टाकली में प्रतिदिन टैंकरों से की जा रही 40,000 लीटर पानी की आपूर्ति। आगे बात करेंगे आगे कैमूर की भी। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। पिछले साल कम बारिश होने और इस साल भीषण गर्मी के कारण बोरों और कुओं में पानी का भंडार कम हो गया है, जिससे नागरिकों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुका के बाल मटाकली में टैंकर द्वारा प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोक नियुक्त सरपंच डॉक्टर राम बामदले और सदस्यों ने तहसीलदार प्रशांत सांगड़े, पंचायत समिति समूह, विकास अधिकारी राजेश कदम को निवेदन दिया और कहा कि इंसानों के बजाय जानवरों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए लोग भटकते हैं, इसलिए तुरंत पानी का टैंकर शुरू करके प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। अपन गावातील वस्तीसाठी पाणी कमी पडल्यामुळे आपल्या शिवगावच्या वीडियो साहेबाकडे आणि तहसीलदार साहेबाकडे टँकरची मागणी केली होती। त्या मागणीनुसार आज रोजी 27 तारखेपासून टँकरची पहिली खेप आलेली आहे आणि बामदळे वस्ती, घाटगे महाराज वस्ती, धनगुडे वस्ती, घाटगे वस्ती आणि शिळके वस्ती या भागामध्ये आजपासून पाणी पुरवठा चालू झालेला आहे। त्यामध्ये 2,000 लोकांना त्या टँकरचा फायदा होणार। अहमदनगर से सीनियर संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। नर्सिंग होम एक्ट जिला नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग जिले के सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पताल में मरीज एवं मरीज के परिजनों के लिए पेयजल व पंखे की व्यवस्था पूर्ण सुचारू रूप से व्यवस्थित है। बता दें, इन दिनों नौतपा का कहर चरम पर है। वहीं शासकीय अस्पतालों में रोजाना ओपीडी में भी सैकड़ों मरीज इलाज करने पहुँचते हैं। नौतपा में आग उगलते सूरज के भीषण गर्मी के चलते भिलाई में एक महिला की मौत भी हो गई है। सर बताएंगे, भीषण गर्मी में जो है मरीज जो है अस्पतालों में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ पानी की सुविधा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपातकालीन स्थिति में भी जो आते हैं उनके परिजन आते हैं उनको लेकर सामुदायिक प्राथमिक केंद्र पूरे टोटल जिले में और दूर जिले की बात करें अस्पताल की, क्या कुछ सुविधा है? नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब गर्मी आती है या कोई भी सीजन चेंज होता है तो स्वास्थ्य विभाग उसमें अलर्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे इन दोनों गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है, सुनने में आ रहा है कि कई जगह पक्षी भी जो है उड़ते उड़ते अभी संज्ञान में आए, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSC सब जगह जो है OPD जहाँ होती, जहाँ मरीज आते हैं धूप से, उनके IEC से पूरा उसमें डिस्प्ले रहता है कि क्या क्या सावधानी बरतना है, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, जो 11 बजे के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है उस समय निकलना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग धूप में भी काम करते हैं। मेरा यही हमेशा आग्रह रहा है कि अगर मान लीजिए आप लगातार बीच बीच में पानी पी रहे हैं, एसिड बेस बैलेंस आपके बॉडी का मेंटेन चल रहा है, क्योंकि ये जो एहतियात इंतजाम ये है कि पानी की व्यवस्था है हर जगह, और जहाँ भी एम्बुलेंस ऐसे हर OPD में इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी खड़ी है जो कि प्रायः रहती है, दूसरा पानी की व्यवस्था है, तीसरा जो बैठने की जो उनकी सुविधा है वहाँ पे पंखा कूलर सब लगाया गया हुआ है ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए इमरजेंसी सभी मेडिसिन भी रखी गई है, ORS घोल भी रखे हुए हैं, जितनी भी प्राथमिक व्यवस्था होती है वो सब उपलब्ध हैं सभी हॉस्पिटल में, इवन जिला अस्पताल में भी। और कहीं ना कहीं लोगों को भी खुद सावधानी रखना चाहिए कि पतले दुबले हल्के कपड़े पहनना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, अगर कोई चीज़ अनअवॉइडेबल है उसको छोड़ करके अगर कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा धूप में ना निकले बाहर और अपने आप को सेफ रखें, स्पेशली बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। सर, दिशा निर्देश दिए गए क्या स्वास्थ्य पर? दिशा निर्देश पहले से ही है और सब जगह हमारे OPD में आप जाएंगे आपको दिखेगा, वहाँ पर डिस्प्ले भी है, IC भी है, ताकि मरीज उसको पढ़ करके सावधानी क्या क्या रखना है वो सब चीज़ के बारे में वहाँ जानकारी भी मिलती है और व्यवस्था सब जगह। दुर्ग से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत थानाध्यक्ष बेलाब अनीश कुमार के कुशल नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से शत प्रतिशत मतदान करने के उद्देश्य से सोमवार को शाम में रामपुर बेलाब राजा के अकोड़ी बड़का गांव में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं सुबह नौहटा, अहिराव, ऊंचीनर, भोरैया आदि गाँव में फ्लैग मार्च के माध्यम से मतदाताओं को निर्भय निसंकोच मतदान करने की अपील की। थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है और असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है।
मतदान केंद्र पर कोई भी व्यक्ति माहौल बिगड़ने का प्रयास करेगा तो उसे कदापि बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर अपार थाना अध्यक्ष अमितेज कुमार, एसआई सरूज कुमारी, विपुल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पूजा कुमारी सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतपरवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में डीएलओ कुमुदिनु टूडू, एसडीएम अनुराग तिवारी, एसी कुंदन कुमार, सतपरवा सीईओ कृष्ण मुरारी तिर्की के साथ एनएचएआई के पदाधिकारी के साथ सतपरवा प्रखंड में 20 गांव के 75 फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी को सुलझाने का प्रयास किया। अंचल अधिकारी आशीष मुरारी तिर्की ने मुआवजा में होने वाली परेशानी तथा रैतों की जमीन जा रही उनकी समस्या सुनी। रैत संघर्ष समिति सतपरवा ने भूमि संबंधी मामलों में कम मुआवजा देने की बात कही। कहा कि इसी कारण रैत नाराज चल रहे हैं तथा बाजार दर से भू अर्जन से भुगतान कराने की मांग करते आ रहे हैं। अपना NHI में जो भूमि जा रहा है उसकी समस्या को लेकर के आए थे। हम लोग सभी रैयतों को अपर समाहर्ता के द्वारा सतपरवा अंचल में बुलाया गया था। हम लोग का समस्या है कि जो रेट निर्धारण किया गया है एसी के तरफ से या CO साहब के तरफ से जो भी रेट का निर्धारण किया गया है वह रेट हम लोग के हित का नहीं है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया हम लोग पहले आवेदन के तहत CO साहब को, DC साहब को, AC साहब को अवगत करवाए, लेकिन यहाँ से जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग न्यायालय के शरण में गए हुए हैं। जो न्यायालय से हम लोग का वहाँ से हम लोग का फैसला मिलेगा, हम सभी रैयत उसका मान करके और मुआवजा को लेने को इच्छुक हैं। यहाँ पर जो बैठक हम लोग को बुलाई गई थी AC अपर समाहर्ता के द्वारा, तो हम लोगों को ये सूचना दिया गया था कि आप यहाँ आइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर आए और हम लोग से समस्या सुनी गई, लेकिन हम लोग के हित की यहाँ पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। यहाँ भी हम लोगों का रेट हम लोगों के हित के नहीं सुनाया गया। इससे हम लोग सभी रैयत यहाँ पर कहा गया कि आप आपत्ति के तहत मुआवजा को लीजिए, हम लोग इच्छुक नहीं हैं, आपत्ति के तहत मुआवजा को नहीं लेंगे जब तक हमारी क्लियर रेट कोई फैसला नहीं होती है। जब भी हम लेंगे क्लियर करके अपना रेट को सभी रैयत लेने को इच्छुक हैं। को रेट को नहीं अगर यहाँ से माना गया तो जो न्यायालय में हमारी अभी समस्या दी गई है, न्यायालय में जो भी फैसला होगा हम उसको मानने को तैयार हैं। हम सभी रैयत उसको मानेंगे और उसी के आधार पर हम लोग मुआवजा को लेंगे। पलामू से सीनू संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।